हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास. दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 14 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स. इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक इक्वालिटी इन दिस वर्कशीट. व्हाट इज इक्वालिटी? थोड़ा बहुत तो आप समझते होंगे, मतलब हम सब इक्वल हैं. इक्वल भाई, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हमें ऊपर जो ईश्वर हैं उन्होंने इक्वल बनाया है, उन्होंने हम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, तो हम डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कौन होते हैं? तो आज की ये वर्कशीट इसी इक्वालिटी को दिखाती है और इसी पे हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट कम्स इन योर माइंड When you see the pictures like these, यहाँ पर कुछ pictures हैं जिन्हें आप देखिए और आप ये समझिए कि आखिर ये pictures हमें क्या शो कर रही हैं, या इनको देख के आपके मन में क्या opinion आ रहा है, क्या चीज़, क्या thought आ रहा है. So, these are the pictures of election, voting right, yes. और आप में से कोई बता सकता है कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमारे किस स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, इंडिया के किस स्टेट में इलेक्शन हुए हैं? यस, बिहार में. वहाँ तो ये सीन बहुत कॉमन होगा इस समय. तो ये जो वोटिंग राइट है ना, इसमें हम सबको इक्वालिटी मिली हुई है. क्या कभी आपने देखा है कि किसी व्यक्ति को मना कर रहा हो कि भाई तुम्हारी कास्ट ये है और तुम वोट नहीं डाल सकते, या तुम्हारा रीजन ये है तुम वोट नहीं डाल सकते? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. सो In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. अब आप समझे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्कों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, या उनका एजुकेशन लेवल कुछ भी हो, या वो रिच हैं या पुअर हैं, इन सबको अलग किनारे करते हुए सबको वोट देने का राइट है. एंड दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया एडल्ट्स, दैट मीन्स 18 ईयर्स एंड मोर. यानी एवरी पर्सन हु आर 18 ईयर्स और मोर एज, they have right to vote. उन्हें वोट देने का बिल्कुल अधिकार है. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. और ये जो universal adult franchise वाला जो idea है, ये किस पर बेस है? Equality के idea पर बेस है. Because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities he or she belongs to, has one vote. यानी इसका मतलब ये है कि ये हमें ये बताता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो राइट है, ये हमें ये बताता है कि इस कंट्री में सभी को, सभी एडल्ट्स को, बिना उनके इकोनॉमिक स्टेटस को देखे हुए या उनकी कम्युनिटी को देखे हुए, सभी को एक वोट देने का पावर है. वेदर ही इज अ He or she is a president and whether he or she is a poor. तो दोनों, चाहे कोई भी हो, सबको एक वोट देने का राइट है, जो एडल्ट हैं 18 और 18 ईयर से अबव. But many people in democratic India may have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे इस देश में, उनको ठीक है वोट देने का राइट है, वहाँ पर वो इक्वल हैं, बट उनके जो रहना सहना या जो उनकी वर्किंग कंडीशन है, वो उस इक्वालिटी से बहुत दूर हैं. क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि रियलिटी में बहुत सारे फील्ड्स में इनइक्वालिटी होती है. सो वी कैन से पॉलिटिकली आर इक्वल, बट सोशली इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मैनी स्फीयर्स. तो हम ये जानते हैं कि ठीक है, हम पॉलिटिकली वी आर ऑल इक्वल,
बट सोशली ये इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, बल्कि इनइक्वालिटी है. मैनी फील्ड्स में, मैनी स्फीयर्स में ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी हमें नज़र आती है. द कास्ट वी आर बॉर्न इनटू, द रिलीजियन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली. तो देखिए, जिस जाति में हमने जन्म लिया या जिस धर्म को हम मान रहे हैं या जो हमारा क्लास बैकग्राउंड है जिससे हम आते हैं, या हम मेल हैं या फीमेल हैं, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हमने देखी है और होती भी है. तो यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू भी ये बना रखा है कि सोशल इनइक्वालिटी के कौन कौन से रीज़न है या किन किन फील्ड्स में सोशल इनइक्वालिटी होती है. जैसे आप यहाँ देखेंगे तो कास्ट में, यस, डिफरेंट कास्ट बोलते हैं कि भाई आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं. और आपको बताऊँ, सिर्फ इंडिया ही ऐसी ओनली कंट्री है जहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है. बाकी मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी होगी. फिर रिलीजन के बेस पर यहाँ पर इनइक्वालिटी होती है, सोशल इक्वालिटी इनइक्वालिटी. फिर जो हमारा जेंडर है, मेल फीमेल में ये बोला जाता है कि ये फीमेल का काम है, ये मेल का काम है, जबकि ऐसा है ही नहीं. बोथ आर इक्वल, तो दोनों के काम भी इक्वल है. फिर इकोनॉमिक स्टेटस, रिच और पुअर में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है. व्हेन पर्संस आर ट्रीटेड इन अनइक्वली, देयर डिग्निटी इज वॉयलेटेड. तो देखिए, जब किसी के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता तो जो उसकी डिग्निटी भी है ना, उसको भी बहुत ठेस पहुँचती है. एवरी वन डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. हर कोई ये चाहता है कि उसके साथ सेम रिस्पेक्ट मिले, उसको उसकी डिग्निटी बनी रहे, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो. अगर हम उसको उसके साथ अनइक्वली कुछ बिहेव करते हैं तो इससे उसकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है, उसके सम्मान को बहुत ठेस पहुँचती है. यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो कि वो पॉलिश करवा रहे हैं. और फिर ये एक्चुअली एक फिल्म का सीन है. उस फिल्म के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन द 1975 फिल्म दीवार, अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूजेस टू पिक अ कॉइन थ्रोन एट हिम. देखिए, 1975 में एक फिल्म बनी थी दीवार, ये बहुत फेमस फिल्म है, आप भी इसका सीन देख सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब पर तो आज कल सब चीज़ें अवेलेबल हैं. तो वो शू शाइन वाले बच्चे होते हैं, शू पॉलिश करने वाले, ये जब उनसे पॉलिश करवाते हैं तो ये जब उनके पैसे देते हैं तो कॉइन को फेंक के देते हैं, और वो जो बच्चा था वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं इसको नहीं लूँगा, बिकॉज ही फील्स दैट देयर इज़ डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज, एंड इंसिस्ट दैट हिज फी बी गिवन रिस्पेक्टफुली. क्योंकि वो ये महसूस करता है कि भाई उसका काम भी तो डिग्निटी से भरा हुआ है, जो भी वो काम कर रहा है, और उसके साथ भी इक्वालिटी होते हुए जो भी उसको फीस मिले वो बहुत रिस्पेक्टफुली मिलनी चाहिए. तो इससे हमें समझ में आता है कि हर व्यक्ति के काम की एक डिग्निटी है, सभी को हमें इक्वल समझना चाहिए. तो यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स भी हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जैसे एडल्ट, अ पर्सन ऑफ एज 18 ईयर्स और मोर. उसके बाद है इक्वालिटी, अभी हमने समझा भी कि द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी स्टेटस में, राइट्स में, अपॉर्चुनिटीज़ में सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए. वो एक जो है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ बीइंग इक्वल. डिग्निटी, दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्संस एज वर्दी एंड रिस्पेक्ट. देखिए, डिग्निटी का मतलब यही है कि ऐसी सोच जो सबको एक समझती है और सबको, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, इस चीज़ को लोग माने भी, सब हमारे साथ भी और दूसरों के साथ भी, तो वो ही डिग्निटी है. फिर इसके बाद है डेमोक्रेटिक, एक्चुअली अ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज़ वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली इन्वॉल्विंग पीरियोडिकली हेल्ड फ्री इलेक्शंस. देखिए, इसका मतलब आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि ये एक सिस्टम है जिसमें जो है सारी सुप्रीम पावर वो किसके पास है. इसका मतलब यही है कि वो पीपल ऑफ इंडिया के पास है, जो कि अपने राइट्स को वो एक्सरसाइज करते हैं, कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली.
थ्रू अ सिस्टम, एक सिस्टम के द्वारा उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्शन, यानी इलेक्शन के थ्रू वो अपने इस राइट को उसकी प्रैक्टिस करते हैं और एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं अपने अपनी इच्छा से, तो इसको ही हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। सो बिफोर वील मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन, हमें एक एक्टिविटी करनी है। आप इस लेसन को जब अपनी टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, रीड द स्टोरीज ऑफ कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। आप इनकी स्टोरीज ज़रूर पढ़िएगा जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में है। सो नाउ वील मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आंसर इज इन इंडिया ऑल एडल्ट 18 ईयर्स और मोर irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise. And the second question is, can you cast vote in elections? If not, why? Yes, no, we cannot vote in elections. क्या आप वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना? Because in our country, All adults of above the 18 years, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, all adults of 18 years or above the age of 18 can vote in elections. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।